ये दुकानदार खबरदार, माहौल दुश्मन पॉलिथिन बैग्स पर हाईकोर्ट की नजर है और पाबंदी की खिलाफवर्जी पर 5 से 20 हजार जुर्माना भी होगा। प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाली दुकानें भी सील की जाएंगी, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से बताया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरखास्त पर समाप्त की। डायरेक्टर पीडीएम सुहेल बाबर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा माहौलियात लाहौर अली एजाज अदालत में पेश हुए, जबकि वाटर और माहौलियाती कमीशन की जानिब से सैयद कमाल हैदर एडवोकेट ने रिपोर्ट पेश की। वाटर कमीशन की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि 2341 भट्टों को ZigZag टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया, 1373 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया गया, धुआं देने वाली 10739 गाड़ियों के चालान किए गए। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से किए जाने वाले इकदाम बारे आगाह किया, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम को सराहा। अदालत ने पॉलिथिन बैग्स इस्तेमाल करने वालों की दुकानें सील करने और 5 से 20 हजार तक जुर्माना करने के अहकाम जारी कर दिए। स्मोक को डिज़ास्टर डिक्लेयर किया गया, इसलिए इसका मैंडेट जो है वो भी पीडीएमए को दिया गया है। और वो काम जो भट्टों की कन्वर्जन है वो पिछले 4 सालों से एक प्रोसेस शुरू हुआ हुआ था और 4 सालों में सिर्फ 700 भट्टे कन्वर्ट हो सके थे ZigZag पे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1.5 महीने में तकरीबन 1500 मजीद भट्टे करवा दिए हैं।